Hello, good morning students. Today in 11th class mathematics, we are continuing exercise 13.1. Exercise 13.1 mein we had completed up to question number 8. Question number 9 se abhi hum log start kar rahe hain. Question number 9 dekh lijiye. Limit x tends to 0. 0. Ax plus b upon सी एक्स प्लस डी ऐसा कुछ दिया हुआ है. अब इसमें एक्स टेंड्स टू जीरो दिया है तो अगर कोई रैशनल फंक्शन अगर दिया हुआ है सी एक्स प्लस वन है सॉरी अगर कोई रैशनल फंक्शन दिया है तो सबसे पहला ऑप्शन जो है एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखें. एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर इफ यू आर गेटिंग सम वैल्यू विच इज नॉट अनडिफाइंड देन दैट विल बी द आंसर ऑफ द लिमिट. तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू जीरो अगर सब्स्टिट्यूट करें तो ये कितना आ जाएगा, a इंटू जीरो प्लस b अपॉन c इंटू जीरो प्लस वन. सो दिस विल बी जीरो प्लस b अपॉन वन. सो द आंसर इज b. सो दिस विल बी द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 में वैल्यूज डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करने पर ऑप्शन मिल रहा है एंड दिस इज इक्वल टू b. दिस इज द आंसर. अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए. तो अगर कोई भी रैशनल फंक्शन दिया है, ये वैल्यू दी है एक्सटेंड्स टू जीरो, सब्स्टिट्यूट करके देखिए. इफ दिस टर्न्स आउट टू बी जीरो अपॉन जीरो देन यू हैव टू फैक्टराइज, या कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. लेकिन इसमें डायरेक्टली वैल्यूज मिल रही तो दिस विल बी द आंसर ऑफ द लिमिट. क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 10 में लिमिट जेड अप्रोचेस टूवर्ड्स वन z to the power of 1 by 3 z to the power of 1 by 3 minus 1 upon z to the power of 1 by 6 minus 1. इसमें जो लिमिट्स यूज करेंगे बच्चों कौन सी है, लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स a, हम लोग z लिख दे रहे हैं, चलिए z अप्रोचेस टुवर्ड्स a, z to the power of n minus a to the power of n upon z minus a, this will be equal to n z to the power of n minus 1. अब इसमें बच्चों नीचे अभी हम लोगों को z के ऊपर 1 चाहिए है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी डिवाइडिंग डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय z माइनस 1. सो लिमिट z टेंड्स टू 1 z टू द पावर ऑफ 1 बाय 3 माइनस 1 अपॉन जेड माइनस वन, नीचे आ जाएगा जेड टू द पावर ऑफ 1 बाय 6 माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1. सो वी हैव डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय जेड माइनस 1 है ना. अब इसके बाद क्या आएगा बच्चों, इसमें इसको टू द पावर ऑफ 1 बाय 3 लिख सकते हैं, टू द पावर ऑफ 1 बाय 6 लिख सकते हैं. तो इसको अगर अभी हम लोग देखें, लिमिट z approaches towards 1, z approaches towards 1, z to the power of 1 by 3 minus 1 to the power of 1 by 3 upon z minus 1 upon, दोनों में लिमिट सप्लाई हो जाएंगी, z to the power of 1 by 6 minus 1 to the power of 1 by 6 upon z minus 1. इसको सॉल्व करने पर कितना मिलेगा बच्चों, अब इसको सॉल्व करने पर बच्चों आएगा n, ये जो पावर है बच्चों ये आएगा सबसे पहले, तो मतलब ये 1 बाय 3 आ गया. फिर उसके बाद यहां पर a आता है, सॉरी n a, तो इसमें a कौन सा है, ये वाला नंबर है 1 बाय 3 इंटू 1 के ऊपर कितना आएगा 1 बाय 3 माइनस 1. ऐसे इधर लिखे, इधर पावर 1 बाय 6, नंबर कितना है 1 है, टू द पावर ऑफ 1 बाय 6 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा 6 अपॉन 3 आ जाएगा. और 1 के ऊपर कुछ भी लगाएंगे तो 1 आएगा, और इधर भी 1 के ऊपर कुछ भी लगाएंगे 1 आएगा. सो दिस इज 1, दिस इज आल्सो 1, सो दिस विल बी 2. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 2. सो दिस वाज व्हाट क्वेश्चन नंबर 10. तो ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 है.
टू आ रहा है, परफेक्टली ओके। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 में लिमिट देखना, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें क्या दिया हुआ है, लिमिट x approaches towards 1, ax square plus bx plus c, ax square plus bx plus c upon denominator भी क्या है बच्चों, cx square plus bx plus a, a, और इसमें x equal to 1 ले लीजिए, x equal to 1, तो लिमिट x अप्रोचेस टुवर्ड्स 1 है। तो अगर कोई ऐसे रैशनल फंक्शंस दिए हुए हैं तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सब्स्टिट्यूट दी वैल्यूज, वैल्यूज को अगर सब्स्टिट्यूट करें तो कितना आ जाएगा, a इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c अपॉन c इंटू 1 स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस a, तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस b एंड प्लस c डिवाइडेड बाय कितना है बच्चों, c प्लस बी प्लस ए, तो ये कैंसिल करके कितना 1 आ जाएगा। सो हियर यू आर हैविंग दिस लिमिट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1। अब इसके बाद डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करने से बच्चों अगर आंसर आ रहा है तो अब ये लोग सॉल्व करके सब्स्टिट्यूट करके आंसर बता देंगे, तो इसका आंसर सॉल्व करने पर 1 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स माइनस टू, क्वेश्चन नंबर 12, लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स माइनस टू, एक्स की वैल्यू माइनस टू के बहुत पास में बच्चों, और ये कितना है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन टू अपॉन अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू। अब इसमें कैसा लिखेंगे बच्चों, अब इसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स माइनस टू, दिस विल बी टू प्लस एक्स अपॉन टू इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं एलसीएम लेने पर, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू, सो दिस विल बी रिटन एज लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स माइनस टू, टू प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस टू इंटू टू इंटू एक्स, ऐसा कुछ है। अब एक्स की वैल्यू इज वेरी क्लोज टू माइनस टू, एक्स इज वेरी क्लोज टू माइनस टू, एक्स की वैल्यू माइनस टू के बहुत पास में, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर टू दिस विल बी व्हाट, माइनस वन बाय फोर। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर टू दिस विल बी व्हाट, माइनस वन अपॉन फोर। चलिए अब नेक्स्ट बच्चों लिमिट सॉल्व करने के लिए अब हम लोग एक आपको फिर से एक फॉर्मूला बताएंगे और उस फॉर्मूले के बेसिस पर अभी हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट है बच्चों एक ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स। क्वेश्चन नंबर 12th लेने के बाद क्वेश्चन नंबर 13th में ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हैं और उनके लिए अभी हम लोग थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो वो पहले अभी हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। तो इसमें बच्चों नया कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। अगर आपकी एक्स की वैल्यू बहुत छोटी है तो साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स, इसका आंसर 1 आता है।
लेकिन इसमें कंडीशन ये दैट x शुड बी इन टर्म्स ऑफ व्हाट रेडियंस, x बच्चों रेडियंस के टर्म्स में होना चाहिए, है ना। अब इसके बाद एक और चीज जो यूज होगी, ये बहुत ऑब्वियस है, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो cos x, x की वैल्यू अगर जीरो की तरफ होगी, अगर x की वैल्यू जीरो के बहुत पास में होगी तो ये cos जीरो हो जाएगा, और cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, वन होती है। अब इस चीज का बच्चों अभी हम लोग यूज करने वाले हैं, कैसा यूज करेंगे देखना। अब इसमें सपोज यू आर हैविंग अ सर्कल, ये लिमिट्स बच्चों अभी हम प्रूव करके बताएंगे आपको। इसमें सपोज इसका रेडियस x है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज x, इसको साइन थीटा कॉन थीटा ले लेना बच्चों, या आर लेना। अच्छा चलो इसको रेडियस ऑफ दिस इज आर एंड दिस एंगल इज एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं, और यहां पर अभी हम लोग एक टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। अच्छे समझ लो बच्चों इसको, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओ इसको सेंटर मार्क कर दिया, और इस रेडियस को आगे बढ़ा दिया। सपोज दिस इज एन, दिस विल बी 90 डिग्रीज। अब देखना बच्चों इसमें तीन एरियाज अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तीन कौन से एरियाज कैलकुलेट करेंगे इसमें देखना। एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर बच्चों ये वाला, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए एम। बच्चों तीन एरियाज अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं, कौन से तीन एरियाज, एक तो ये वाला है देखना अच्छे से, एक तो ये है, ये एरिया ऑफ सेक्टर है ओ ए बी, फिर उसके बाद ट्राइंगल ओ ए बी तो यहीं पर दिख गया, ये वाला है, फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एम, तीनों। इन तीनों में सबसे छोटा एरिया कौन सा है, द स्मॉलेस्ट, जस्ट बाय इंस्पेक्शन यू विल बी एबल टू टेल दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ ए बी, एरिया ट्राइंगल ओ ए बी विल बी स्मॉलर देन एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, एंड दिस विल बी स्मॉलर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए एम। सबसे छोटा एरिया ये वाला ट्राइंगल है, उससे बड़ा एरिया ये सेक्टर है, उससे बड़ा ये वाला ट्राइंगल है। अब देखना कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। सेक्टर का एरिया क्या होता है बच्चों, सेक्टर का एरिया अभी हम लोगों को पता नहीं याद होगा कि नहीं, हम आपको याद करा देते हैं। सर्कल का एरिया तो याद है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कल के सेंटर पर एंगल कितना बनता है, टू पाई, तो टू पाई एंगल मतलब पूरा सर्कल, और पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो ये 2 पाई बच्चों अभी हम लोग किसमें ले रहे हैं, रेडियंस में, 2 पाई रेडियंस, ये याद रखना है ना। तो 1 रेडियन के लिए, 2 पाई रेडियंस के लिए, 2 पाई रेडियंस के लिए एरिया पाई आर स्क्वायर है। अब 1 रेडियन के लिए बच्चों, 1 रेडियन के लिए एरिया कितना आ जाएगा, एरिया पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू पाई, ऐसा कुछ आएगा, ये कैंसिल हो गया, तो
एरिया कितना आ गया आर स्क्वायर बाय टू। ये किसके लिए बच्चों, वन के लिए कैलकुलेशन किए, लेकिन यहां पर कितना है एक्स, वन रेडियन के लिए। सो फॉर एक्स रेडियंस द एंगल विल बी आर स्क्वायर इनटू एक्स डिवाइडेड बाय टू, है ना। तो ये एरिया ऑफ सेक्टर मिल गया। ये क्या मिल गया बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर, ये कितना है आर स्क्वायर इनटू एक्स डिवाइडेड बाय टू। एक एक करके अभी हम लोग एरियाज कैलकुलेट करते जाएंगे और यहां पर लिखते जाएंगे, है ना। इधर पर कैलकुलेशंस करेंगे एंड वी विल बी राइटिंग दीज एरियाज, वी विल बी राइटिंग दीज एरियाज समवेयर हियर। तो अभी हमने सबसे पहले सेक्टर का निकाल दिया, सबसे इजी वाला पार्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट अभी हम लोग लेंगे बच्चों ट्राइंगल ओ ए एम ले रहे हैं ना बच्चों। ट्राइंगल ओ ए एम कितना मिलेगा, ये देखो ये ओ है, ये ए है बच्चों, ये एम है, ये वाला डिस्टेंस आर है और ये वाला एंगल एक्स है, देख लेना। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, देखकर बता सकते हो कितना आएगा, टैन एक्स विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ए एम अपॉन बेस। तो ए एम कितना आ जाएगा बच्चों, ए एम विल बी आर टेन एक्स। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एम, ट्राइंगल ओ ए एम देखो यहीं पर लिख देंगे बच्चों, कितना आएगा हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड, हाफ बेस कितना है ओ ए, इनटू अल्टीट्यूड क्या है ए एम, तो ये कितना है हाफ ओ ए की वैल्यू आर है और ए एम की वैल्यू कितनी है बच्चों आर टेन एक्स। तो ये कितना जाएगा आर स्क्वायर टेन एक्स डिवाइडेड बाय टू, क्लियर। अब देखो ट्राइंगल ओ ए एम ऐसा कुछ आ जाएगा। अब सुनना, हम लोगों ने क्या किया था बच्चों, ये इसमें सेंटर पर एक्स एंगल लिया, इस सेक्टर को कंसिडर किया, ये वाले ट्राइंगल को कंसिडर किया और ये ट्राइंगल कैसे बना, ए पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ करके, तो इसलिए ये 90 डिग्रीज मार्क किया है। किसी किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा ये 90 डिग्रीज क्यों है। सो वी हैड ड्रॉन अ टेंजेंट, यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करके इसको ज्वाइन किया था, ऐसा कुछ आ गया। तो एरिया कितना आ गया बच्चों, ट्राइंगल ओ एम का आर स्क्वायर टेन एक्स डिवाइडेड बाई टू, अब लिख ले रहे हैं आर स्क्वायर टेन एक्स अपॉन टू, ये भी आ गया ये भी आ गया। अब कौन सा बचा है बच्चों, ये वाला ओ ए बी, इस वाले का, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया हम लोग निकालेंगे, देखना अच्छे से, इसको फिर से रब कर दे रहे हैं। ये बच्चों एक आर है, ये भी आर है, ये ओ है, ये ए है, ये बी है और ये एक्स एंगल है ना। यहां से अभी हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये इधर पर ड्रॉ नहीं किया क्योंकि अभी हमें इसका एरिया अगर चाहिए, जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट इट, इसका एरिया अगर चाहिए तो हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, तो बेस तो मालूम है। फिर अगला क्वेश्चन आता है एल्टीट्यूड, तो बच्चों एल्टीट्यूड अभी हम लोगों ने क्या किया, एल्टीट्यूड ड्रॉ कर ले रहे हैं, इसको क्यू पॉइंट मार्क कर दिया। तो कैसे मिलेगा एल्टीट्यूड, साइन एक्स विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बी क्यू डिवाइडेड बाय हाइपोटन्यूज ओ बी, तो ये बी क्यू है, ओ बी कितना है आर है,
तो बी क्यू की वैल्यू आर साइन एक्स है, बी क्यू की वैल्यू आ गई। अब क्या आएगा, ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया हाफ बेस, बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो बेस क्या है बच्चों ओ ए इंटू एल्टीट्यूड क्या है बच्चों बी क्यू, हाफ ओ ए कितना है आर और ये कितना है आर साइन एक्स, तो बच्चों ये कितना आ गया आर स्क्वायर साइन एक्स बाय टू, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो ये सारी वैल्यूज रखना बच्चों, आर स्क्वायर साइन एक्स अपॉन टू स्मॉलर देन एरिया ऑफ सेक्टर आर स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन टू विल बी स्मॉलर देन आर स्क्वायर इंटू टेन एक्स अपॉन टू। अब क्या कैंसिल होगा बच्चों, आर स्क्वायर अपॉन टू तो पूरे में से कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोलेंगे बच्चों, अब इसमें डिवाइड दिस बाय साइन एक्स, तो साइन एक्स की वैल्यू विल बी लाइंग, सॉरी द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी लाइंग बिटवीन साइन एक्स एंड टेन एक्स, ऐसा पूछा गया। अब tan x को अभी हम लोग sin x upon cos x लिख सकते हैं, we can write tan x equal to what sin x upon cos x, और sin x से डिवाइड करते हैं तो sin x upon x smaller than x upon x smaller than tan x upon x, सॉरी अभी हम लोग sin x से डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, sin x upon sin x smaller than x upon sin x smaller than tan x upon sin x, we have divided all the three terms by sin x, इसको sin x से divide किया, इसको sin x से और इसको sin x से divide कर लिया। अब क्या आएगा, आप इसमें देखो बच्चों ये one आ गया smaller than x upon sin x और इधर कितना जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखेंगे, साइन एक्स और साइन एक्स कैंसिल होगा वन अपॉन कॉस एक्स। अब क्या करें, इसका रेसिप्रोकल ले लो, अगर इनवर्स कर दिया बच्चों रेसिप्रोकल ले लिया तो ये साइन एक्स अपॉन एक्स आ जाएगा है ना, इसका रेसिप्रोकल वन आएगा और इसका रेसिप्रोकल कॉस एक्स आएगा, और रेसिप्रोकल अगर ले लिया तो ये चेंज हो जाएगा, साइन ऑफ द इनइक्वालिटी बच्चों चेंज हो जाती है अगर हम लोग रेसिप्रोकल ले लें। अब इसके बाद अब इसमें यह पता चल गया कि साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू, साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू वन और कॉस एक्स के बीच में लाई कर रही है, साइन एक्स अपॉन एक्स द वैल्यू ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स लाइज बिटवीन वन एंड कॉस एक्स। अब इसमें लिमिट लगा दो, लिमिट क्या लगानी है कि x बहुत छोटा है, x अगर बहुत छोटा है वेरी क्लोज टू जीरो तो वैल्यू ऑफ साइन x अपॉन एक्स विल बी लाइंग बिटवीन वन एंड वन, है ना, वन और cos x के बीच में लाई करेगी और cos जीरो की वैल्यू इफ x इज वेरी क्लोज टू जीरो। अब इसमें समझने की कोशिश करना बच्चों, लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड जीरो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड जीरो, एक्स बहुत छोटा कर लिया बच्चों अभी हम लोगों, एक्स अगर अभी हमने बहुत छोटा ले लिया तो अब हम लोग क्या बोलेंगे इसको देखकर बताओ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टुवर्ड जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू किस किस के बीच में लाई कर रही है, ये किस किस के बीच में लाई कर रही है, ये दिस इज लाइंग बिटवीन वन एंड कॉस एक्स, अगर एक्स बहुत छोटा है तो ये बच्चों सैंडविच थ्योरम कहलाता है। सैंडविच थ्योरम क्या, द वैल्यू ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स इज सैंडविच बिटवीन वन एंड कॉस एक्स,
साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू इट इज लाइंग बिटवीन, इट इज सैंडविच बिटवीन व्हाट, बिटवीन वन एंड कॉस एक्स, और एक्स की वैल्यू बहुत छोटी है, एक्स की वैल्यू बहुत छोटी है, ये तो वन आएगा ये भी वन आएगा, तो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू वन और वन के बीच में आएगी, वन और वन के बीच में आएगी, क्योंकि इसका आंसर कितना आने वाला है बच्चों, वन आने वाला है, और इसका आंसर ऑलरेडी वन है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, वन आ जाएगी। सो दिस वॉज टू बी प्रूव्ड। तो अब ये चीज याद रखना बच्चों, अगर एक्स रेडियंस में है, इफ एक्स इज इन रेडियंस, तो जितना एंगल ऊपर लिखा है उतना ही एंगल नीचे है, और ये वैल्यू अगर जीरो है तो आंसर वन आने वाला है, आंसर विल बी व्हाट, वन। अब देखो बच्चों, इसके बेसिस पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे, तो सारी चीजें एकदम परफेक्टली क्लियर हूं। क्वेश्चन नंबर 13 ले ले रहे हैं, देखना अप्लाई कैसे करते हैं इसको, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो बच्चों, क्या दिया हुआ है, साइन ए एक्स अपॉन बी एक्स, अब अभी हम लोगों को क्या बोला है बच्चों, इसमें जितना एंगल ऊपर है उतना ही नीचे होना चाहिए, तो अब क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन ए एक्स, ये b तो लिखा हुआ है, हमने क्या किया ax, we have multiplied numerator and denominator by a, ऊपर और नीचे a से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फायदा क्या हुआ बच्चों, जितना ये एंगल ऊपर है उतना ही एंगल नीचे, ax ऊपर है ax नीचे है, और वही वैल्यू जीरो होनी चाहिए, अगर x जीरो है तो ax भी जीरो होगा, मतलब जितना एंगल ऊपर लिखा हुआ है उतना ही एंगल नीचे, और इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर वन आ जाएगा, इसका आंसर कितना आता वन, बचा क्या वो भी लिख लो ए अपॉन बी, सो द आंसर टू दिस विल बी व्हाट, ए अपॉन बी, सिंपल है। अब इसी के बेसिस पर बच्चों और भी प्रॉब्लम्स अभी हम लोग ले ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टेंड्स टू जीरो साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स, बी एक्स, अब इसमें क्या करेंगे, साइन ए एक्स अपॉन एक्स, we have divided numerator and denominator by x, numerator और denominator में बच्चों अभी हम लोगों ने किससे, x से divide कर दिया, अब divide करने पर जो मिला है बच्चों उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर जितना एंगल ऊपर है उतना ही नीचे आना चाहिए, यहां पर भी a आना चाहिए, तो अब हम लोगों ने क्या किया a से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, यहां पर b है बच्चों bx, तो यहां पर भी b आना चाहिए, और x की वैल्यू अगर जीरो है तो इसका आंसर वन आ जाएगा, इसका आंसर भी वन आ जाएगा, वन इंटू ए डिवाइडेड बाई बी, ए अपॉन बी आ जाएगा। अब इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 14, अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लो बच्चों, इसमें क्या है, साइन पाई माइनस एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन
साइन अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स। अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन तो बच्चों यही रहता है कि आप x की वैल्यू जीरो रखकर सॉल्व करके देखो, x की वैल्यू जीरो अगर आप रखोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये साइन पाई और ये साइन पाई की वैल्यू तो जीरो आ जाएगी। साइन पाई कितना होता है बच्चों, जीरो होता है, और नीचे पाई माइनस पाई जीरो, तो ये जीरो अपॉन जीरो आ जाएगा, है ना। सो वैल्यूज आर नॉट टू बी सब्स्टिट्यूटेड डायरेक्टली बिकॉज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इज गिविंग यू व्हाट, जीरो बाय जीरो फॉर्म। दिस इज गिविंग यू व्हाट, अ जीरो अपॉन जीरो फॉर्म। सो व्हाट वी ट्राई टू डू, वी ट्राई टू सी इफ समथिंग एल्स कैन बी डन। लिमिट्स बच्चों शायद कुछ गलत लिख ली है हम लोगों ने, एक्स की वैल्यू पाई। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, पाई माइनस एक्स को बच्चों जेड लिख ले रहे हैं, पाई माइनस एक्स को जेड लिख लिया, तो ये कितना आ जाएगा, साइन जेड अपॉन पाई लिखा हुआ है, और ये कितना है, जेड है। अब इसमें देखो एक्स की वैल्यू जब पाई हो जाएगी बच्चों, एक्स की वैल्यू अगर पाई हो जाएगा तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि वी आर कन्वर्टिंग दिस एंटायर प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ जेड, है ना। एक्स की वैल्यू जब पाई हो जाएगी तो पाई माइनस पाई जीरो हो जाएगा, तो जेड की वैल्यू विल बी जीरो। तो लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो, कन्वर्ट हो गया बच्चों, एक्स की वैल्यू अगर पाई हो जाएगी, एक्स की वैल्यू अगर पाई हो जाएगी तो पाई माइनस पाई जेड आ जाएगा, जेड की वैल्यू जीरो। अब देखो कौन सा, वही वाला फॉर्म कन्वर्ट आ गया, साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। इसमें जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है, जेड जेड, तो ये जेड की वैल्यू जीरो। तो अब इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर वन आ जाएगा, सो वन अपॉन पाई इज द आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 और देख लो, बहुत सिंपल सा है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन देखो कुछ रिजल्ट दे रहा क्या बच्चे, कॉस जीरो अपॉन पाई माइनस जीरो, यानी कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा अपॉन पाई, सो वन अपॉन पाई इज द आंसर, फिनिश्ड, नथिंग इज टू बी डन, ठीक है, बस हाँ यही है आंसर। चलो तो बच्चों आज के लिए इतना ही, वी विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज ऑन द नेक्स्ट टर्म, दैट्स ऑल फॉर टुडे।